गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर आधा पढ़ा था, अब हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इन दिस प्रोसेस स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग। ये प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो किसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो एग के कॉन्टैक्ट में आते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल। ये जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल। मदर और स्पर्म सेल जो होती है, फादर से जो स्पर्म सेल होगी वो तो फादर की होगी, मदर के एग से दोनों पार्टिसिपेट करती है, तब जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिटेंस सम कैरेक्टर्स कम फ्रॉम द मदर एंड सम कम फ्रॉम द फादर। तो जो ये एज कैरेक्टर, ये क्या होता है, सो द न्यू इंडिविजुअल जो नया जो इनहेरिटेंस पैदा होता है, उसके कुछ कैरेक्टर्स तो उसकी मदर से मिलते हैं, उसके कुछ कैरेक्टर उसके फादर से मिलते हैं। ठीक है, देयर आर टू बेसिक मेथड बाय विच फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होते हैं, दो बेसिक मेथड होते हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के दो मेथड होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो काव में होता है, मंकी में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन काव में होता है, डॉग में होता है। ठीक है, इस तरह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है काफी सारे एनिमल्स में होता है। इसमें क्या होता है, फ्यूजन जो होता है, गैमेट्स होते हैं वो इनसाइड में क्या होता है, जगह लेते हैं अपनी ऑर्गेनिजम्स की जगह। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फ्यूजन होता है जो गैमेट्स का, वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल जो होता है उसमें कहाँ होता है, बाहर होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द एम्ब्रियो फॉर्म्स एंड डेवलप। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है वो फॉर्म होता है और डेवलप होता है। द जायगोट बिकम अ सॉलिड बॉल। द जायगोट जो होता है, जायगोट बिकम अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स। जायगोट जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड बॉल्स को बना होता है, सेल्स को बना होता है। द सेल्स दैट बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। जो सेल्स होती है वो क्या होती है, बिगिन करती है, शुरुआत करती है ग्रुप्स में बढ़ना, और फिर उनको क्या किया जाता है, फिर उनको क्या कहते हैं, डेवलप किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू में और ऑर्गन्स में। ठीक है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन्स में। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्न एंड एम्ब्रियो। इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, किसमें टर्न हो जाती है, ये टर्न हो जाती है एक एम्ब्रियो में। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड अ फीटस। जो एम्ब्रियो की जो स्टेज होती है जिसमें क्या होता है, उसके बॉडी पार्ट जो होते हैं आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है फीटस। फीटस क्या कहा जाता है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। जिसमें क्या होता है, जितने बॉडी पार्ट होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फीटस। फीटस की डेफिनेशन अपन को याद रखनी है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंड्स आल्सो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हैंड्स के अंदर भी होता है। ठीक है, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस आर दोज हु प्रोड्यूस लिविंग यंग इन सीड ऑफ एग्स फ्रॉम विद इन द बॉडी। विविपेरस वो होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सीधा का सीधा देखो विविपेरस वो होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट एक लिविंग बींग को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जबकि क्या होता है, ओविपेरस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एग्स देते हैं, वो क्या होते हैं, ओविपेरस एनिमल्स होते हैं। ठीक है, द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू कलेक्ट बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज। उनकी जो मदर होती है उनके आउटसाइड जो एग्स होते हैं, जैसे दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। जैसे जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा एग देते हैं। जो विविपेरस होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने जैसा ही एक लिविंग बींग जो होता है प्रोड्यूस करते हैं, और ओविपेरस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एग देते हैं। ठीक है,
यंग वंस टू द एडल्ट लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म। अब हम देखो सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। एग, एग जो होता है इसका जो लार्वा होता है, लार्वा और कैटरपिलर, लार्वा और कैटरपिलर से आगे जाएगा प्यूपा, प्यूपा से बनेगा एडल्ट, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा जो होता है जो एडल्ट में चला जाता है, तो ड्रास्टिक चेंज जो आता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस, इसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। हमने पहले तो पढ़ लिया, हमने पहले तो पढ़ा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, उसमें हमने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बारे में देखा। अब हम जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। द टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल है इसका बडिंग एंड फिशन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बर्डिंग एंड फिजन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट इज प्रो, ये क्या होता है, एक टाइप का होता है रिप्रोडक्शन होता है इन विच, जिसमें क्या होता है ओनली सिंगल पेरेंट ही होता है इन्वॉल्व, उसको क्या कहा जाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके एग्जाम्पल पूछे जाए तो आपको बताना है बाइनरी फिजन, बाइनरी एंड बर्डिंग, बाइनरी फिजन बर्डिंग, ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो डायरेक्ट फिजन एंड बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है, इन दिस केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा डेवलप बल्ब कॉल्ड बर्ड। इस केस में क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक केस है। द ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा जो होता है वो डेवलप करता है बल्ब, इसको कहा जाता है बर्ड। दिस बर्ड डेवलप into an adult hydra-like structure। ये जो bird होता है bird इसमें develop हो जाता है, ये hydra में develop हो जाता है adult bird। This bird develop into an adult hydra-like structure which when gets separated from the parent hydra leads independent life। पता क्या होता है, पहले तो ये वाला जो होता है ये bird से जुड़ा ही होता है parent से, लेकिन बाद में क्या होता है धीरे धीरे develop होकर ये अलग हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है which when gets separated from the parent hydra लीड्स इंडिपेंडेंट लाइफ, फिर ये आपके पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाता है और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ बर्डिंग इज सीन इन ईस्ट, एक और एग्जाम्पल है बर्डिंग का जिसको किसमें देख सकते हैं, हम ईस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल इज नोन एज अ बाइनरी फिजन। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है इसमें जो एनिमल होता है वो रिप्रोड्यूस करता है एक अपने ही समाज, अब डिवाइड करके कुछ इंडिविजुअल्स को, उनको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं बाइनरी फिजन। जैसे अमीबा होता है अमीबा खुद डिवाइड होकर अपने से दो अमीबा बना लेगा, तो वो होता है आपका बाइनरी फिजन, और इसका एक एग्जाम्पल है अमीबा। इस चैप्टर की लास्ट डेफिनेशन देखेंगे क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनी सेल एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होती है एक सेल की एनी अदर लिविंग पार्ट और दूसरा एक और लिविंग पार्ट या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है। फॉर एग्जाम्पल डॉली शिप, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इनके लिए क्या होता है डॉली शिप, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है सेल की जैसे एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कोई दूसरा जो लिविंग पार्ट बनता है या कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बनता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ, ये क्या होता है प्रोडक्शन होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है सेल की, इसको क्या कहा जाता है एनी अदर लिविंग पार्ट, एनी अदर लिविंग पार्ट और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। और इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है आपको क्लोनिंग का एग्जाम्पल देना है डॉली शिप। डॉली शिप क्या, क्लोनिंग का एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है, आपकी बुक में भी समझाया हुआ है कि जो डॉली शिप होती है उसके बारे में ही, उसके बारे में कुछ साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने उस पर क्लोनिंग करके रिसर्च की थी, तो इसका एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, आपको याद रखना है। बाकी इस चैप्टर के पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी, आपको क्वेश्चन आंसर्स को पढ़कर उस चैप्टर का रिवीजन करना है।